प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड BCC बोर्ड के तरफ से जारी की गई नई नोटिफिकेशंस के बारे में। और ये नई नोटिफिकेशन जो है BTech लेटर एंट्री और बी फार्मा और पैरामेडिकल में जो ग्रेजुएशन कोर्सेज होती हैं उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे जारी किया गया। नोटिस, शॉर्ट नोटिस और डिटेल नोटिस, दो नोटिस जो है जारी किया गया। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल नोटिस देखेंगे कि कैसे फॉर्म भरना है और क्या एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है वो हम बात करेंगे, और कब आपका एग्ज़ाम्स होगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, ये तमाम जानकारी जो है आपको आज की इस वीडियोज़ में मैं यहाँ पर जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कितना तारीख से जो है फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो नोटिस जो है आपका आज का जो है नोटिस यहाँ पे दिया गया 22 अप्रैल का, जिसमें यहाँ पे बोला गया लैटरल एंट्री में आपका जो है लैटरल एंट्री के थ्रू जो है आपका एडमिशन होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, पारा मेडिकल और फार्मेसी कोर्सेज में, जिसमें स्नातक कोर्स जो है आपका यहाँ पर होने वाला है। तो ये BTech लैटरल एंट्री या BCCLE लैटरल एंट्री 2024 का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म का जो है नोटिस दिया गया है। यहाँ पे जो है आपका बोला गया है कि जो अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपका यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ BCCLE 2024 के नाम से आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होगा, उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, देन एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एप्लीकेशन को चेक करना होगा कि आपने जो भी डिटेल्स भरा है वो सारी डिटेल्स सही है या फिर नहीं। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई गलती नज़र आता है तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में अगर बात किया जाए तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है यहाँ पे 2200 रुपया जो है आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ी यहाँ पे लगने वाला है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बात किया जाए एग्जामिनेशन फ़ी जो है काउंसलिंग फ़ी भी रहने वाला है, आपको अलग से जो है काउंसलिंग फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब काउंसलिंग फ़ी पेमेंट कर देंगे उसके बाद पार्ट ए और पार्ट बी एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेना होगा और वो अपने पास में रखना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका उसमें दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो रजिस्ट्रेशन जो है आपका 23 अप्रैल से यानी कल से जो है आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 22 मई तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, 23 मई तक पेमेंट कर सकते हैं, 24 और 25 मई को जो है आपको फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एडिट करने का मौका दिया गया है। एडमिट कार्ड जो है 28 जून को जो है जारी किया जाएगा, उसके बाद 14 जुलाई को आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। यानी अभी से अगर बात किया जाए तो मई जून जुलाई आपके पास 3 महीना है, यानी लगभग 80 दिन है आपके पास, इस 80 दिन में जो है आपका एग्ज़ाम्स हो जाएगा। तो अगर आप BCCLE का प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंजीनियर प्लस जो कि इंजीनियर प्लस जो ऐप है ये हमारे प्ले स्टोर जो है गूगल के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है, प्ले स्टोर पे आप सर्च कीजिएगा इंजीनियर प्लस बाय MRS स्टडी, तो उस पे जो है आपको क्या मिल जाएगा, एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके आप कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं और एक इफ़ेक्टिव प्राइस में आपको जो है कोर्सेज वहाँ पर दिया जाता है, आप वहाँ पर ज्वाइन करके अपनी क्लासेज जो है स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी उससे रिलेटेड जो है क्लासेस से रिलेटेड एक अनदर वीडियोस मैं बता दूंगा, और कितना नंबर ऑफ़ सीटों पे इस बार एडमिशन होगा वो भी मैं आपको एक अनदर वीडियोस में बता दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि इतने नंबर ऑफ़ सीटों पे आपका BCCLE में एडमिशन होगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, और अगर कोर्सेज से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7488414543, ये हमारा जो है नंबर है, ये इसी नंबर से आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी चाहिए कि कितना फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, मतलब कोई दिक्कत होता है कोर्सेज से रिलेटेड कि हमको क्लास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेंगे तो कितना दिन में हमारा क्लास ख़त्म हो जाएगा, तो ये तमाम चीज़ें आपको जो है यहाँ पर कॉल पर भी आपको बताया जा सकता है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।